बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाबान की 14 तारीख को बाद नमाज असर आफ्ताब ग्रुप होने के वक्त बावजू 40 मरतबा ये कलमात पढ़े, लाहू लवला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अजीम। अल्लाह पाक इस दुआ के पढ़ने वाले के 40 साल के गुनाह माफ़ फरमाएगा। शाबान की 14 तारीख को बाद नमाज मगरिब 2 रकात नमाज, हर रकात में बाद सूरह फातिहा के सूरह हशर की आखिरी 3 आयत एक बार पढ़े और सूरह इखलास 3-3 बार पढ़े। इंशाअल्लाह ये नमाज मगफरत गुनाह बहुत अफजल है। शाबान की 14 तारीख को कबल नमाज इशा 8 रकात नमाज 4 सलाम से पढ़े, हर रकात में बाद सूरह फातिहा के सूरह इखलास 5-5 बार पढ़े। इंशाअल्लाह ताला ये नमाज भी बख्शिश गुना बहुत अफजल वाली है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शाबान की 15वीं शब की इबादत बहुत अफजल है। फरमाया इस शब को अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए बेशुमार दरवाज़े रहमत के खोल देता है और फरमाता है, कौन है जो आज की शब मुझसे बख्शिश तलब करे और मैं इसको अजाब दोजख से निजात देकर इसकी मगफरत करूं। फरमाया कि इस शब की इबादत करने वाले पर दोजख की आग अल्लाह पाक हराम कर देता है। शाबान की 15वीं शब को सूरह बकरा की आखिरी रुकू आमन रसूल से काफिरून तक 21 मरतबा पढ़ने वास्ते अमन व सलामती जानो माल की हिफाजत है। 15वीं शब को सूरह दखान 7 मरतबा पढ़नी बहुत अफजल है। इंशाअल्लाह ताला परवरदिगार आलम 70 हाजात दुनिया की और 70 हाजात आखरत की कबूल फरमाएगा। शाबान की 15वीं शब को सूरह यासीन 3 दफ़ा पढ़ने से तरक्की रिक्स दराजी उम्र नागहानी आफरतों से पूरे साल महफूज रहेगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई मुझ पर 3000 मरतबा दुरूद पाक भेजेगा तो बरोज़ क़यामत उसकी शिफात करनी मुझ पर वाजिब हो जाएगी।